जी हां, अल्पेश यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नोएडा में रेव पार्टी की जांच अब करेगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। आपको बता दें कि रेव पार्टी और सांपों की सप्लाई मामले को लेकर यूट्यूबर अल्पेश यादव का नाम आया था और यूपी के वन्य जीव विभाग ने केंद्रीय ब्यूरो को जांच के लिए पत्र भेजा है। जानकारी यह है कि सांपों की सप्लाई में दक्षिण राज्यों का कनेक्शन मिला है। वन विभाग ने केस कर जांच के लिए अलग अलग कमेटी भी बनाई है। NWCCB के सहयोग के लिए मेरठ के वन संरक्षक, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के DFO की कमेटी बनाई गई है। तो अल्पेश यादव की कई ऐसी वीडियोस भी सामने आ चुकी है जिसमें वो सांप से खेलते हुए दिखाई दिए। विदेशी लड़कियों के साथ जो रेप पार्टी होती थी, माना जा रहा है कि वहां पर भी इसी तरह से सप्लाई किया जाता था। तो सांप के जहर की सप्लाई होती थी और नशे के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं जिसमें अल्पेश यादव का नाम भी शामिल है। और इससे पहले कल अल्पेश को पकड़े जाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोटा से सामने आई। राजस्थान के कोटा में अल्पेश यादव को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा था। उसे डिटेन भी किया गया लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। तो केंद्रीय ब्यूरो को अब जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। WCCB अब जांच करेगा। वन विभाग ने अलग अलग कमेटियां बना दी है और न्यूज 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। तो अल्पेश को पकड़े जाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि अल्पेश को बाद में छोड़ दिया गया। सभा चुनाव 2023 के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक PB नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम अल्पेश यादव करके बताया था। अल्पेश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के DCP साहब और ACP साहब से बातचीत करके और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। फराह खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फराह खान से जानते हैं कि आखिरकार अब इस मामले को लेकर और क्या अपडेट है। फराह, एक तो मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं अल्पेश यादव की क्योंकि केंद्रीय ब्यूरो अब जांच करेगा, वन विभाग ने कई कमेटियां भी बना दी है, ये भी जानकारी मिली है। अब किस तरह से काम किया जाएगा इस पूरे मामले पर, क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती है उन सभी लोगों की जिन जिनके नाम इसमें आए हैं, चाहे वो अल्पेश यादव भी हो। बिल्कुल शीनम, देखिए अल्पेश यादव के लिए जो मुश्किलें हैं वो खड़ी हो गई हैं। लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और साफ तौर से अब जो है इसमें एक नया मोड़ आया है कि रेव पार्टी की जो जांच है वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करेगा। इसके लिए तमाम कमेटी बनाई गई है, चाहे वो मेरठ की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए और गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए। तो वन विभाग जो है वो पूरी तरीके से जांच करेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ जो है वो और लोगों के लिए भी संकट जो है वो खड़ा हो सकता है क्योंकि देखिए अल्पेश यादव की भी पहले कुछ वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो सामने आए हैं लेकिन अब जो फाजिलपुरी एक सिंगर है उनका अल्पेश यादव के साथ एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो दोनों एक सांप के साथ नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो है ये पूरा जो मामला है वो नया मोड़ देखते हुए मिल रहा है और साफ तौर पर अभी देखा गया था कि अल्पेश यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी कोटा राजस्थान से। तो अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब ये वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो जो है ये पूरी तरीके से जांच करेगा, कमेटी बनाई गई है क्योंकि अब जो है वो पूरा मामला तो दर्ज कर दिया गया है लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो जिस तरीके से ये पूरा रेप पार्टी का मामला है इसमें सारे जो है वो चीजें देखी जाएंगी कि गौतम बुद्ध नगर में किस तरीके से ये पार्टी हो रही थी, कौन इसमें शामिल है और अल्पेश यादव जिस तरीके से अल्पेश यादव ने कुछ दिनों पहले जो है वो अपना रुख भी सामने रखा था कि ठीक है। फलाह, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा से, फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर। सिंगर फाजिलपुरिया की बढ़ सकती है मुश्किलें, सांप के साथ शूटिंग, जहर तस्करी केस
और एल्विश और फाजलपुरिया का पुराना वीडियो कोई सामने आ गया है। वीडियो में दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, दोनों ने सांप के साथ ये वीडियो बनाया है। फाजलपुरिया पर भी मामला दर्ज हो सकता है। फरा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। फरा, एक के बाद एक खुलासे हो रखे हैं और इस बीच सिंगर फाजलपुरिया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, यानी उन पर भी अब मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि कई लोगों के नाम पहले सामने आ चुके हैं। कह सकते हैं कि अभी पर्दे खुलना बाकी है, एक बड़ा गिरोह ये हो सकता है और कई और लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शीनम, एल्विश यादव के लिए तो देखिए मुश्किलें सामने है ही, लेकिन जैसे जैसे इस पूरे मामले में पर्दे खुलेंगी, जैसे जैसे ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट होता जाएगा, पूरी जांच टीम बैठेगी, जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, तो उसके बाद और लोग भी जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको ठीक बता ही रही थी कि फाजलपुरिया और एल्विश यादव का जो है वो एक साथ वीडियो जो है वो वायरल होने लगा है, जिसमें वो दोनों सांप के साथ नजर आ रहे हैं, तो फाजलपुरिया पर भी जांच हो सकती है। और इस तरीके से काफी लोग, क्योंकि जैसे आपने भी कहा, एक गिरोह सामने आ सकता है क्योंकि धीरे धीरे इस तरीके के वीडियो वायरल होने लगे हैं। एल्विश यादव के पहले हमने वीडियो देखे थे कि वो ऐसे वीडियो और पिक्चर्स वायरल हुए थे, अब धीरे धीरे एक सिंगर जो हरियाणा से है, फाजलपुरिया काफी नोन है, वेल नोन सिंगर है, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। इस तरीके से अब ये देखने को लगता है कि जैसे जैसे ये पूरा मामला जो है वो डीप इन्वेस्टिगेशन होगा, उस तरीके से कई नामों का और खुलासा हो सकता है और कई लोगों के लिए जो है वो मुसीबतें सामने आ सकती हैं। तो सिर्फ एल्विश यादव ही नहीं है, तमाम लोग भी जो उनसे जुड़े हुए हैं या जिनकी भी इस तरीके के पिक्चर्स हैं, उन सबके लिए जो है वो एक संकट देखने को मिल रहा है शीना। यानी कि फरा, हम ये मानकर चले कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी जब जांच करती है, जाहिर सी बात है अब केंद्रीय ब्यूरो को जांच के लिए पत्र लिख भी दिया गया है और उसके बाद अगर जांच करेगा वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, जैसा कि आपने बताया, तो कौन कौन सी धाराओं के तहत इन पर मुकदमा जो कि पहले दर्ज किया गया है, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कई और लोगों के नाम भी सामने आ जाते हैं तो ऐसे में किस तरह से उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्या उसके बाद उनसे पूछताछ भी हो सकती है, मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं। देखिए शीनम, पीपल ऑफ इंडिया जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो है वो पीपल फॉर इंडिया जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से एक मामला दर्ज किया गया और उसके बाद जो है वो लगातार एल्विश यादव का नाम सामने आया और उसके बाद जो है वो जांच उस तरीके से हुई। हालांकि एक वीडियो सामने आया और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई एल्विश यादव की, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अब वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो पूरी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, तो देखिए इसमें पूरी कमिटीज बनाई गई हैं, चाहे हम वो मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो ये जितना भी एरियाज हैं वहाँ के जो वन विभाग हैं वो सब जांच करेंगे कि किस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, क्या सच में जो है ये सांपों का नशा जो है और रेव पार्टी की जो बात है, इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सारे नाम आएंगे। अभी शुरुआत एल्विश यादव से हुई है, लेकिन आगे ये भी माना जा सकता है कि जितने भी लोग एल्विश यादव से जुड़े होंगे, ये एक पूरा गिरोह हो सकता है, तमाम लोगों पर जो है वो संकट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे हम फाजिलपुरिया की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग और भी हो सकते हैं, तो इस पर पूरी इसीलिए जो है वो पूरी जांच की जा रही है ताकि और जो नाम अभी पीछे रह गए हैं और जो खुलासे रह गए हैं। बिल्कुल, और फरा वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो जब जांच करेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने तरीके से जांच करेगा, उसका एक अलग प्रोसेस रहेगा। फिलहाल आप बने रहिएगा फरा हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि एल्विश के पकड़े जाने की पूरी कहानी आखिर है क्या। कल शाम 6 बजे के करीब एल्विश यादव को पुलिस ने पकड़ा, राजस्थान की कोटा पुलिस ने एल्विश को पकड़ा और कोटा से यूट्यूबर एल्विश को डिटेन किया गया। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा और इसके बाद कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस को खबर की कि एल्विश यादव को हमने पकड़ लिया है, क्या आपके यहाँ पर वो वांटेड तो नहीं है। वांटेड नहीं होने पर पूछताछ के बाद एल्विश यादव को छोड़ दिया गया। और अब यहाँ पर पुलिस वर्सेस पुलिस का खेल देखिए। राजस्थान और नोएडा पुलिस के अलग अलग दावे हैं, क्या है दावे वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। कोटा पुलिस का कहना है कि हमने एल्विश को पकड़ा था और इसके जवाब में नोएडा पुलिस ने कहा था कि हमें इसकी कोई खबर नहीं है। ये एल्विश पर पुलिस और पुलिस वर्सेस पुलिस, यानी कि राजस्थान पुलिस और नोएडा पुलिस के बीच पूछताछ के लिए डिटेन किया था, अभी पूछताछ
में हिरासत की जरूरत अभी तक नहीं है, ऐसा नोएडा पुलिस ने जब कहा, तो ये हमने आपको बताया। और इसके अलावा एल्विश यादव को छोड़ दिया गया राजस्थान पुलिस की ओर से जांच के हिसाब से आगे की कार्रवाई। हालांकि अब वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच करेगा, जैसा कि हमने आपको बताया। और राजस्थान पुलिस का दावा है कि नोएडा पुलिस से संपर्क किया है हमने, जबकि नोएडा पुलिस का कहना है सूत्रों के मुताबिक कि नोएडा पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ और बिना संपर्क के ही उसे राजस्थान पुलिस ने छोड़ दिया, ये जानकारी मिली है। कोटा पुलिस ने कहा कि हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि नोएडा पुलिस एल्विश को तलाश रही थी, ये भी यहां पर एक बात निकलकर सामने आई। जबकि नोएडा पुलिस ने कहा कि हमें एल्विश की जरूरत नहीं, और जरूरत भी होती तो नोएडा पुलिस सक्षम है। नोएडा पुलिस ने कहा कि अभी पूछताछ चल रही है, अभी हिरासत की जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया। लेकिन दोनों के बीच में जो अलग अलग तरह से बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी भी आरोपी अपराधी को खोज निकालने में राजस्थान की कोटा पुलिस कहती है कि पूछताछ के लिए उन्होंने डिटेन जरूर किया था, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। जबकि नोएडा पुलिस का कहना कुछ अलग है कि अभी पूछताछ या फिर हिरासत की जरूरत नहीं है। कोटा पुलिस ने कहा कि एल्विश यादव को हमने छोड़ दिया, तो नोएडा पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और जांच के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो नोएडा पुलिस का कहना है हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ। और भी आपको हम पूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी देंगे, पूरा अपडेट आपको देंगे कि आगे अभी इस वक्त क्या अपडेट इस मामले में आ रहा है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।